नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। आई विल नॉट लीव यू। ओह, कितना प्यार है पति पत्नी में। शान मुझे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते। ओह, ये प्यार वाला ना छोड़ना नहीं है, ये गुस्से वाला ना। मैं जान दे लूंगा मैं तुम्हें। चुप पकर। तेदा पतर, ये कोई तरीका है? तरीका है अपनी बीवी से पेश आने का? चल बता, बता इस बंदी ने क्या किया? बताओ। छोड़ ना भाई, बताने दे, बताता हूँ मैं। इसने मेरी जिंदगी भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। मेरे लैपटॉप्स, मेरे सर्किट्स, मेरे मॉडल्स सबको ऐसे कपड़ों की तरह धोके रस्सी पे सुखा दिया, जैसे वो गोपी बहू करती है ना अपने सीरियल में, बिल्कुल वैसे। शान, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। झूठ बोल रही हो तुम। मुझ में झूठ बोलने का फीचर ही नहीं है। तो मुझ में है? हाँ। अरे व्हाट द हेल यार, व्हाट द हेल। यू नो व्हाट शान, तुम समायरा के पीछे लट्टू होके जो घूमते हो ना, वैसा ही अगर ध्यान ज्ञान या अमरीश करते तो हम उनका इससे भी बुरा हाल करते। But of course, हम तीनों अलग है और रोजन ही अलग है। चाहे कितनी भी डम इरिटेटिंग हो ये लड़की, लेकिन एक बात समझ लो, बट वो तुम्हारा बुरा कभी नहीं करेगी। करेक्ट मामी जी। रोशनी, हम एक बात बताओ, लैब में तुम्हारे अलावा और कोई आया था? कोई आया नहीं था, कोई आई थी। लैब में समायरा आई थी। I knew it. क्या? रश्मि, रश्मि तुमने कब देखा मुझे शान की लैब में? जब तुम लैब में मेरे सामने खड़ी थी। What? Excuse me. मैं शान की लैब में आज गई नहीं हूँ, मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। रश्मि तुम इतना झूठ कैसे बोल सकती हो? I am sorry, समायरा। मुझ में झूठ बोलने का फीचर है नहीं। Correct. अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम चाहती हो कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं, राइट? ठीक है, अगर आप सब चाहते हैं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। ओ समायरा, तुम बोलती हो लेकिन जाती नहीं हो। इस बार जाओगी तो वादा करके जाना, 30th फरवरी को जरूर आना। है 30th फेब को किसका बर्थडे? ओहो, फेब में सिर्फ 28 दिन होते हैं। बेसिकली मम्मी जी का कहने का मतलब ये है कि वो समायरा को कभी दोबारा मिलना ही नहीं चाहते हैं उससे। शान, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि तुम्हें भी लगता है कि मैं ये सब कर सकती हूँ? शान, मैं तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहूंगी, कभी नहीं। मेरे डेटा के हिसाब से इसे कहते हैं मगरमच्छ के आंसू। शड़ा रजनी, काम डाउन समायरा। मुझे पता है तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। जो भी डम काम है सब इस रजनी ने किए हैं। रजनी, अभी के अभी समायरा को सॉरी बोलो नाउ। ओके शान, आई एम सॉरी समायरा। गुड, चलो। कमाल की लड़की हो तुम, गलती की भी नहीं और सॉरी बोल दिया। मम्मी जी, जब तक मेरी बैटरी चार्ज रहेगी मैं हमेशा शान की कमांड्स मानूंगी। हाय हाय पुत्र, जिंदी रहे, आबाद रहे। शान कितना नसीबों वाला है कि उसे तेरे जैसी बीवी मिली है। चल ठीक है, ठीक है, सब भूल जाओ। चलो, जो हुआ सो हुआ, सब पे पानी फेरो। अब कहां पानी फेरना है बाबूजी? रोजनी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हे भगवान, ये कैसे बहू दी है हमें? तू गा, उस समायरा पर नजर रखना। ओके मम्मी जी, तुम कहां जा रही हो? समायरा पर नजर रख रही मम्मी जी। नो नो नो, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुमसे नहीं होगा। तो मैं क्या करूं मम्मी जी?
कुछ भी करो, तुम्हारा फेवरेट गाना गाओ, बस हमारा सर मत खाओ। ओके, कम ऑन, एक्सेप्टेड। ओह गॉड, क्या करना है? गाना गाना है। ओके। रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक। Oh my darling, give me a look. दिल मेरा धड़के तेरे लिए, दिल मेरा धड़के तेरे लिए। गुस्सा तेरा वल्ला वल्ला, नखरे तेरे। Oh oh oh. Huh. फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में तेरी बहना है। सारी उम्र तुम्हें संग ना रहना है। शान चढ़ा, मैं नहीं खेल रही, तुम इसे मत पकड़ो। ये मैं जीत गई। आई वन। रजनी, भले इतनी छोटी सी अंताक्षरी में तुम जीत गई हो, क्योंकि जो असली लड़ाई है ना, शान को जीतने की लड़ाई, वो तो मैं ही जीतूंगी। समायरा, शान कोई खेल नहीं है। वैसे भी राहुल ने कहा है। राहुल, ए, नाम तो सुना ही होगा। सेनोरिटा, प्यार उसी को मिलता है जिसका प्यार सच्चा होगा। एक्सक्यूज मी रजनी, आज तुमने देखा ना, तुम भले ही सच बोल रही थी और मैं झूठ बोल रही थी, लेकिन शान ने साथ किसका दिया? मेरा। इसी तरह से तुम रोज हारोगी रजनी। Just wait and watch. और हाँ रजनी, अब जब तुम अकेली पढ़ने वाली हो ना, तो मेरा एक छोटा सा सजेशन है। सन्यासन बन जाओ। फिल्में देखती हो, अच्छा खासा गाती हो, ये सारा टैलेंट तुम्हारा वहां काम आ जाएगा। ओके? सन्यासिन, वो क्या होता है? मुझे स्कैन करना होगा। ओके, गॉट इट। धोखा, थैंक यू, तुमने हमको काम, कंट्रोल्ड और पेशेंट बनाया, वरना अब तक तो हमने समायरा का गला ही दबा दिया होता। हमारी घर में रह के हमारी बहू को घर से निकाल देने की बात करी है लड़की। समायरा, इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो तुम, और तुम्हें इस घर से निकालेगी हमारी बहू रजनीकांत।